हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री और टॉपिक है दिल्ली के सुल्तानों का केंद्रीय शासन प्रबंध, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। देखिए, दिल्ली के सुल्तानों का जो केंद्रीय शासन प्रबंध क्या था उसके विषय में पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले जो है वैधानिक संप्रभु खलीफा, जिसको हम खलीफा कहते थे, ये क्या होता था? वैधानिक संप्रभु में खलीफा किसको कहा जाता था? देखिए, पहले क्या अभी भी है कि इस्लाम में एक खलीफा होता है जो पूरी दुनिया का वैधानिक संप्रभु होता है, यानी कि वहाँ से ही पूरा जो इस्लाम धर्म है वो चलता है, वहाँ के कायदे कानून वो चलता है, उसको वैधानिक संप्रभु कहते हैं खलीफा। जो दिल्ली सुल्तानों का केंद्रीय शासन प्रबंध की हम बात कर रहे थे, जो दिल्ली के सुल्तानों पर जो है शासन होता था उस समय पर, तो वो खलीफा होता था जो पूरी दुनिया में उस पर इस्लाम धर्म पर कंट्रोल करता था। फिर दिल्ली के सुल्तानों का जो वास्तविक संप्रभु होता था वो सुल्तान होता था। सुल्तान कौन था? सुल्तान होता था सर, देखिए जो राजा होता था वही वास्तविक संप्रभु होता था, क्योंकि जो खलीफा होता था वो बहुत दूर बैठता था, वो कंट्रोल नहीं कर सकता था इस्लाम धर्म को या उसको मानने वालों को, वो कंट्रोल नहीं कर, लेकिन जो वास्तविक संप्रभु माना जाता वो सुल्तान होता था, वो उनको कंट्रोल कर सकता था इस्लाम धर्म को, तो उसको इसलिए उसको वास्तविक संप्रभु माना जाता सुल्तान को। सुल्तान जो उस समय का राजा होता था, सुल्तान के जो कार्य थे या कर्तव्य थे, फंक्शन ऑफ द सुल्तान या ड्यूटीज हम कह सकते हैं, इस्लाम धर्म की सुरक्षा करना। देखिए, सबसे मेन जो इसका ड्यूटीज थी कि इस्लाम धर्म की सुरक्षा करना, इसका सबसे मेन मोटिव था कि इस्लाम धर्म को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा था प्रजा के बीच उठे विवादों का निराकरण करना। जितने भी विवाद उठते थे प्रजा के बीच में, उनका निराकरण करना, ये किसका कार्य था? सुल्तान का कार्य था। कैसे हो जा, मतलब क्या होते, क्योंकि वही जो सुल्तान था वो मुख्य न्यायाधीश भी माना जाता था, वही न्याय करता था उस समय पर। नेक्स्ट था इस्लामी भूप्रदेशों की रक्षा करना, जो इस्लाम के भूप्रदेश है उनकी रक्षा करना भी किसका कर्तव्य था? वो भी सुल्तान का था। जितने भी इस्लाम के भूप्रदेश है उन सब की, उनको क्या देना? सुरक्षा प्रदान करना, ये किसका कार्य था? ये कार्य था सुल्तान का। नेक्स्ट जो कर्तव्य था, दंड विधान लागू करना। दंड विधान लागू कैसे किया जाता था? जो कानून होता था वो कानून को लागू करना, ये मेन कर्तव्य किसका था? ये मेन कर्तव्य भी सुल्तान का था, राजा का था उस समय पर, दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर है इस्लाम के विरोधियों के विरुद्ध युद्ध, जिहाद छेड़ना। देखिए, मेन पॉइंट आ रहा, जो सुल्तान का मेन मोटिव था, मेन मकसद था वो जो इस्लाम के विरोधियों के विरुद्ध, यहाँ पे मेन चीज ये है जो जिहाद, जिहाद का मतलब होता है युद्ध, ठीक है ना। इस्लाम के जो विरोधी थे, ना कि सभी के लिए, जो इस्लाम के विरोधियों के विरुद्ध, जो इस्लाम के विरोधी थे यानी कि इस्लाम की खिलाफत करते थे या इस्लाम के विरुद्ध कार्य करते थे, उनके वे जो विरोधी थे उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ना, जिहाद छेड़ना, ये उसका कार्य था। फिर विभिन्न प्रकार के कर, यानी के लगान वसूल करना, ये भी सुल्तान का कार्य था। बहुत सारे जो है विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, है ना, जजिया कर, है ना, जैसे जजिया कर हो गया, और कौन से कर होंगे, जकात हो गया, जजिया हो गया, ये सब कार्य किसके थे? सुल्तान के। इनको सबको लागू करना, उनको वो करना, वसूलना, ये किसका कार्य था?
सुल्तान का कार्य था। नेक्स्ट आपका सुल्तान के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ द सुल्तान। देखिए वजीर, दीवाने वजारत, जो वजीर होता था ये उस समय पर मेन माना जाता था, इसको कहा जाता दीवाने वजारत। वजीर का जो पद अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था उस समय पर। वजीर सरकार की संपूर्ण मशीनरी का अध्यक्ष होता था, जैसे हम आज कह सकते हैं कि जो है ना वजीर का मतलब था कि जैसे प्रधानमंत्री राजा हो गया और उसका गृह मंत्री, इस टाइप की ये पोस्ट थी उस टाइम पे। सल्तनत की आय और व्यय के विभिन्न प्रभावों को ये उस टाइम पे देखता था, ठीक है ना। ये था किसका कार्य, वजीर का, दीवाने वजारत। फिर अब वजीर के सहायक, दीवाने कजारत, वजीर के सहायक। वजीर का कार्यालय दीवाने वजारत के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। और उसकी सहायता के लिए एक नायब वजीर दफ्तर के कार्य की देखभाल के लिए होता था। नायब वजीर के नीचे महालेखाकार होता था और उसके नीचे महालेख परीक्षक होता था। फिर है सैनिक विभाग, आरिजे मुमालिक, इसको उस समय पर कहा जाता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट को आरिजे मुमालिक कहा जाता था, सैनिक विभाग को। देखिए सैनिक विभाग का जो कार्य क्या था कि लोगों की जो है दिल्ली के सुल्तान का सैनिकों पर आधारित धर्म सापेक्ष निरंकुश जो है राजतंत्र था उस समय। सुल्तान उस समय की तीन समस्याओं के निराकरण में व्यस्त रहते थे। प्रथम थी राजपूतों का विरोध होता था, दूसरी थी जो है इसका द्वितीय अमीरों और सरदारों का विद्रोह होता था, तृतीय विदेशी आक्रमण होते थे। तो इसके लिए इन्होंने सैनिक विभाग की नियुक्ति की हुई थी। फिर है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री, जैसा कि आप जानते हैं, विदेश मंत्री क्या करते हैं, जो दूसरे देश से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, दीवाने रसालत इसको कहा जाता था, जो दूसरे देशों से संपर्क करते थे उनकी उसको देख रेख को, या दूसरे देशों से मित्रता करनी है नहीं करनी है, क्या हो रहा है नहीं होना, ये सब चीज़ विदेश मंत्री के अंडर में आता था। थैंक यू।